नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार आपको सिवनी शहर की सड़कों का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये नज़ारा सिवनी शहर की सड़कों का है। शनिवार 16 मई 2020 को आप देख सकते हैं। मिशन स्कूल के सामने से गांधी गणेश चौक पहुंच रहे हैं हम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सड़क पर गड्ढे आप देख रहे हैं, सड़क पर पानी भी आपको दिख रहा है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। महावीर व्यायामशाला गणेश चौक की अब हम बढ़ रहे हैं बरघाट नाके की ओर। पुलिस के द्वारा यहाँ कुछ कार्रवाई की गई इस बात की जानकारी मिली है। बिजली ऑफिस के आसपास पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को जो बेकार घूम रहे थे, बिना मास्क के घूम रहे थे या तीन सवारी बैठ के घूम रहे थे, उन्हें स्पॉट पर दंड दिया गया। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्रों के द्वारा मिली है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। बरघाटना का मार्ग आप देख सकते हैं, बरघाटना का मार्ग, पानी की टंकी बरघाट नाके की। एक समय था, अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, बरघाट नाका जो यहाँ नाका हुआ करता था, आज युवा पीढ़ी को शायद नहीं पता हो, शहर यहाँ समाप्त हो जाया करता था। यहाँ बरघाट नाका था और इसके बाद जो न्यायिक अधिकारी परिसर आप सामने देख रहे हैं, यहीं डिस्टलरी हुआ करती थी, यहाँ आसवानी, यहाँ शराब फैक्ट्री हुआ करती थी, शराब बना करती थी यहाँ पर देशी शराब। और जहाँ अब जो सीधे यहाँ तरफ आपको दिख रहा है, यहाँ आबकारी अधिकारियों के निवास हुआ करते थे उस ज़माने में। सड़क बरघाट नाके की बहुत ख़राब हो चुकी है। गणेश चौक से बरघाट नाका मार्ग पूरी तरह जर्जर ही दिख रहा है। आप देख सकते हैं कैमरा किस तरह हिल रहा है। हम चार पहिया वाहन में बैठकर आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। इसके बाद भी आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ गड्ढे हो चुके हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। घरों पर ही रहें, घरों से ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। ये बरघाट नाका मार्ग हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग के आसपास गड्ढे जबरदस्त तरीके से हो चुके हैं। आप देख सकते हैं गड्ढों को, गड्ढे में गाड़ियां किस तरह हिलोरे मारती हुई चल रही हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से कैमरा हिल रहा है। ये बरघाट नाके के आसपास जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अब ये मोती नाला, पुलिस सूत्रों का कहना है कि मोती नाले के पास कल एक पुलिस के द्वारा किसी वरिष्ठ नेता के साथ बदसलूकी भी की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये मोती नाला आप देख रहे हैं, मोती नाले के आसपास का ही घटनाक्रम है जो शनिवार की रात से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए, अब राइट हैंड साइड सीधे हाथ पर केंद्रीय विद्यालय, डूडा सिवनी थाना और उसके बाद डूडा सिवनी तिराहे पर हम पहुंचेंगे। घर से निकलते समय मास्क लगाना ना भूलिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन जरूर करिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रहा है, सामाजिक दूरी का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लीजिए। ये डूडा सिवनी थाना राइट एंड राइट सीधे हाथ की ओर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये डूडा सिवनी का तिराहा, यहाँ से बाएं हाथ तरफ लेफ्ट हैंड साइड मंडला रोड जाती है। अगर आप सीधे चले जाएंगे तो बरघाट रोड, बरघाट पालाघाट
और गोंदिया रायपुर वाला मार्ग है। ये देखिए, ये है डूंडा सिवनी का तिराहा। आप देख सकते हैं सड़कों पर आवाजाही बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, सड़क लगभग लगभग खाली ही दिख रही हैं। जिन्हें ज़रूरी काम है वे ही घर से निकलकर सड़कों पर दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पल पल की खबरों से आपको अपडेट रखे हुए है, अद्यतन रखे हुए है। टोटल लॉकडाउन के दौरान समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने सिवनी शहर, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि देश के अनेक शहरों के हालातों से आप सभी को रूबरू कराया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। बरघाट रोड टूंडा सिवनी के आगे बाईपास जाने वाला ये मार्ग है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो अखिलेश दुबे के द्वारा लगातार लॉकडाउन में आपको पल पल के अपडेट देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी वीडियो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अपलोड किए जाते हैं वीडियो तत्काल ही आपको मिल सकते हैं, इसलिए आप वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे जो वाहनों का काफिला दिख रहा है, ये वाहन पुलिस के वाहन हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अनुभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभागीय अधिकारी पुलिस सहित पुलिस महकमे के राजस्व विभाग के अधिकारियों का ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं आगे जा रहा है। सिवनी शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस और राजस्व के अधिकारी नजर रखे हुए हैं। ये देखिए, ये वाहनों का काफिला थोड़ा सा धीमा भी हुआ। आप देख सकते हैं ये देखिए, एक वाहन पलटा, ये नगर कोतवाल मनोज गुप्ता का वाहन, इसमें मनोज गुप्ता सवार हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं नगर कोतवाली कोतवाल का वाहन इस काफिले से बाहर निकलकर वापस गया। हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो या वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हों जिनके चलते नगर कोतवाल इस काफिले से हटकर वापस लौटे। ये इस बारे में वरिष्ठ अधिकारी ये बता पाएंगे कि नगर कोतवाल वापस क्यों लौटे, उन्हें वापस क्यों लौटना पड़ा। नगर कोतवाल तो वापस लौट गए, बाकी काफिला आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं सड़क कितनी जर्जर है। जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, लोक निर्माण विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सड़क आप देख सकते हैं किस कदर जर्जर है। वाहनों का काफिला थोड़ा धीरे होता दिख रहा है। सड़क वाकई बहुत जर्जर ही दिख रही है। ये वाहनों का काफिला आगे बढ़ रहा है। पुलिस के वाहन, राजस्व विभाग के वाहन, सड़क पर पानी भरा देख सकते हैं। सड़क पर गड्ढे भी आप देख सकते हैं किस कदर सड़क में गड्ढे हुए हैं। इसी काफिले से, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है, इसी काफिले, जब ये काफिला निकल रहा था तब मोती नाले के आसपास किसी नेता के साथ पुलिस के किसी अधिकारी के द्वारा बद सलूकी की गई है। वैसे सूत्रों का कहना है कि इस पूरे कानवाय काफिले में दूसरे नंबर पर जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक का वाहन भी चल रहा है, इसलिए इस मामले में क्या हुआ है इस बारे में आधिकारिक रूप से जिला पुलिस अधीक्षक ही कुछ बताने की स्थिति में है। वैसे सूत्रों का कहना तो ये है कि यहाँ कुछ घटित तो हुआ है, कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो अखिलेश दुबे की रिपोर्ट, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर
ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए, YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए, सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको, ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए, दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियां, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब।